वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफएस राजेश सर। तो स्टूडेंट, ये कंटिन्यूटी का फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है, और इसमें हम फिर अननोन कांस्टेंट पे बेस्ड फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बच्चों मैंने दो क्वेश्चन कराए हैं अननोन कांस्टेंट पे, तो दो क्वेश्चन और कर लेंगे तो थोड़ी सी क्लियरिटी अननोन कांस्टेंट पे क्या हो जाएगी हमारी, बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर देते हैं ताकि जो बच्चे बनाना चाहेंगे वो बच्चे बनाने लगेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड के इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू एंड थ्री व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट एस इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव व्हेन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू टू ए एक्स प्लस बी व्हेन x lies between 2 and 10, 21 when x is greater than or equal to 2 is continuous at s is equal to 2 and 10, ठीक है बच्चों। तो इस पे बच्चे जो ट्राई करना चाहते हैं वो करें, सिंपल सा रूल है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे तो हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और उसको इक्वेट करके हम अपने अननोन कांस्टेंट को पता कर सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं और इस वीडियो से पहली बार जुड़े हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है कि बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि ये फिफ्थ लेक्चर है, एकदम मिडिल है, ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें इसको देखना कंटिन्यूटी को, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश की है, और अगर फर्स्ट लेक्चर से आप देखोगे तो आपको चीजें पक्का है कि समझ में आएंगी। तो फर्स्ट लेक्चर से देखने के लिए करना क्या होगा, तो आप जाइए वीडियो के नीचे आपको लिखा होगा एनसीएफ विद राजेश सर, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे जो कि यूट्यूब चैनल है, तो आप वहां पे देखेंगे होम वीडियो और प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट वाले पे टैप करके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे लेक्चर 1 2 3 4 आपको पहले से ही अपलोडेड है और उसमें सारी चीजें जैसे कि मैंने कहा है कराई गई हैं। फिर तब आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद जब आप कंटिन्यूटी से रिलेटेड सारे वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी चैप्टर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसे भी जरूर विजिट करें, वैसे ही प्रोसेस से उसमें भी लेक्चर क्या किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और वहां पे आपका कंप्लीट बोर्ड का सिलेबस कवर किया गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को आसान लैंग्वेज में सिखाया गया है और उन कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर ढंग से समझने के लिए सफिशियंट अमाउंट में क्वेश्चन कराए गए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप उन प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिएगा। फिर अगर आपको अच्छा लगे कि यहाँ कंटेंट, यहाँ पे जो टीचर समझा रहा है वो बहुत अच्छे से ठीक से समझा रहा है, तो आप दूसरे लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज देखते हैं कि आप लोग तो पहली बार जुड़े हो, ठीक है, तो आपको सिखाया जाएगा तभी तो कर पाओगे, तो आइए सीखते हैं। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है कि पेन और पेपर ले लीजिए, जैसे जैसे यहाँ पे चीजें करती जाएंगे वैसे वैसे आप भी करते जाइएगा, केवल वीडियो को नहीं देखना है। तो क्या है क्वेश्चन, तो पहले हम जान लेते हैं कि कंटिन्यूटी प्रूफ करेंगे कैसे, या कंटिन्यूटी दिया होगा तो आखिर करेंगे क्या। तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी हम बहुत पहले से ही बता रहे हैं, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है बच्चों, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि आप LHL बनाएंगे, RHL बनाएंगे और फंक्शन की वैल्यू बनाएंगे और इक्वल कर देंगे उससे अननोन कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है। चलिए पहला सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो चलिए आइए सीखा जाए पहले सॉल्यूशन को। तो पहला सॉल्यूशन है, तो आपको दिया है फंक्शन, तो पहले हमको किस पे कंटिन्यूअस दिया है बच्चों, पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू पे ही निकालना है, तो हम क्या करते हैं LHL निकाल देते हैं। तो LHL फंक्शन में नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे पहले फंक्शन लिख लेंगे, तो LHL लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है नए बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल टू वाला दे दिया है और नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब इसी वाले फंक्शन में LHL भी है और क्या है RHL भी, क्योंकि आपने 11th में सीखा है अगर नॉट इक्वल टू लिखा है तो उसमें इनइक्वालिटी होगी, और इनइक्वालिटी होगी तो इनइक्वालिटी दोनों तरह की होगी, यानी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू होगा और लेस देन भी होगा, यानी कि यहाँ पे LHL भी इसी फंक्शन में आएगा और RHL भी क्या आएगा इसी फंक्शन में, और ये फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है। तो LHL निकाल लेते हैं पहले, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस, फंक्शन लिख लेते हैं के कॉस एक्स अपान में पाई माइनस टू एक्स। अब आपको पता है, नहीं पता है तो आप पता कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे अब ये एक्स हटाएंगे और इस एक्स की जगह हम वैल्यू रखेंगे, क्या करना है ये जो पॉइंट है पाई बाई टू माइनस है रख लेंगे, ठीक है, और फिर लिमिट बदल देते हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों एक्स टेंडिंग टू जीरो,
अब जहां जहां x होगा फंक्शन में वहां वहां हम क्या रख देंगे पाई बाई टू माइनस एच रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चों पाई बाई टू माइनस एच, क्लियर हो रहा है। तो k हो गया cos x है तो x की जगह कितना रखेंगे पाई बाई टू माइनस एच अपान में पाई माइनस टू एक्स है तो x की जगह कितना रखेंगे पाई बाई टू माइनस एच। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो एल एच एल हो गया, एच टेंडिंग टू जीरो लिख लेते। अब देखिए बच्चों आपने इलेवेंथ में पढ़ा होगा कि cos 90 माइनस थीटा हो, ये तो है वही ना 90 माइनस थीटा। तो cos के साथ अगर 90 होता है तो वो किसमें बदल जाता है बच्चों साइन में बदल जाता है, क्लियर हो रहा है आपको। यानी ये किसमें बदल जाएगा साइन में, तो लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा साइन एच, अभी हम एक साथ लिख दे रहे हैं परेशान नहीं होना। अब क्या करते हैं टू से इंटू कर देते हैं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस टू, सॉरी पाई माइनस, ये कितना होगा पाई माइनस टू एच। कोई प्रॉब्लम बच्चों, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हमने ये यूज किया तो लिखना बनता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो देखेंगे यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस क्या हो गया टू एच हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करें कि जितने कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लें, या ये भी कह सकते हैं कि जिसमें यच नहीं है उसको बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा। तो क्या कुछ बच्चों आपको समझ में आ रहा है, कुछ धुंधला धुंधला दूर से दिखता हुआ समझ में आ रहा है कि ऐसा तो सर हम लोग पहले कभी पढ़े हुए हैं, अभी उतना मतलब अच्छे से याद नहीं आ रहा, हाँ लेकिन पढ़े हुए हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये बहुत आसान है, तो पढ़े हैं इलेवेंथ में पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा है बच्चों कि लिमिट थीटा टेंड टू जीरो हो और साइन थीटा अपन थीटा हो तो वो वैल्यू कितनी होती है वन, या फिर इसी को कुछ बच्चे पढ़े होंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो साइन एक्स अपन एक्स हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों वन होती है। कहाँ पढ़ा है इलेवेंथ में लिमिट वाले चैप्टर में, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो गई वन हो गई। तो क्या हम रख दें, रख देते हैं। तो के बाई टू इंटू कितना हो गया वन, ये हो गया एल एच एल। तो एल एच एल बच्चों कितना आ गया के बाई टू, क्लियर है सबको, क्लियर है। ठीक, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आर एच एल नहीं निकालेंगे, क्यों, हमको ये चीज पता है कि एल एच एल इक्वल है आर एच एल के, और आर एच एल इक्वल है किसके फंक्शन के वैल्यू को। तो हम इस आर एच एल को ओमिट करके डायरेक्ट ये भी तो कह सकते हैं कि एल एच एल किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, यानी कि एल एच एल इज इक्वल टू क्या है फंक्शन के इक्वल है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है पाई बाई टू पे, फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों थ्री है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, यानी कि पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है थ्री है, ये लिख लिया हमने। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या हम फंक्शन के कंटिन्यूअस होने वाली कंडीशन को नहीं लगा सकते हैं, चलिए लगाते हैं और आंसर पा लेते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वाली क्या कंडीशन है, सिंस मैं बच्चों फंक्शन बार बार इस्तेमाल में लिखता हूँ आप पूरा लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या है बच्चों फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू कितना पाई बाई टू पे। तो जब पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है आपका, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि एल एच एल इक्वल किसके होगा फंक्शन की वैल्यू के होगा। आप आर एच एल भी निकाल के कर सकते हैं लेकिन मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि ये सब इक्वल है। तो बताइए एल एच एल कितना है के बाई टू और ये कितना है थ्री, तो बचाइए कितना हो गया सिक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम। यानी कि जब पाई बाई टू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों सिक्स आएगी। यहाँ पे हमने क्या किया केवल एल एच एल ही निकाला और फंक्शन की वैल्यू से इक्वेट कर दिया। तो किसी किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर कि अगर हम आर एच एल निकाल दे और फंक्शन की वैल्यू से इक्वेट कर दे तब भी क्या आंसर आएगा। तो हाँ बच्चों आप सही सोच रहे हो, तब भी आंसर वही आएगा जो यहाँ पे हमने निकाला है। यानी कि चाहे आप एल एच एल से फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट करें या फिर आर एच एल से फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट करें, आंसर आपका क्या आएगा बच्चों सेम आएगा। आप जिस भी तरीके से करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, मैं वो बता देता हूँ ताकि अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, जो नए बच्चे भी जुड़े हैं तो वो भी कुछ कुछ अपने से बनाएंगे। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ बच्चों कि केवल मैं ना करूँ, मेरे साथ साथ आप भी करेंगे तभी तो आएगा, तभी तो सीखने में मजा आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, यानी हमको ए और बी बताना है। ठीक, पहले दिया है कि x की वैल्यू अगर लेस देन 2 है तो तब हम रख देंगे 5। तो इसमें तो देखो LHL, LHL कितना हो जाएगा बच्चों 5 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो दे ही दिया है। फिर कहा है कि ax plus b होगा जब 2 से 10 के बीच में होगा, फिर 10 होगा, 10 से ग्रेटर होगा तो कितना हो जाएगा 21, और दिया है कि 2 और 10 पे क्या है ये कंटिन्यूअस है, तो क्या हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बेर है, आप क्या करोगे कि वीडियो को पॉज कर लेंगे, जो नए बच्चे भी हैं वो भी वीडियो को पॉज कर लें और बनाने की कोशिश करें, जहां तक भी बन पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आप गलत भी बनाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार है, सीखेंगे, गलत सीखेंगे तभी तो सही सीख पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर्स का, ठीक है? फिर उसके बाद मैच कराते हुए चलेंगे, ठीक है? तो कुछ बच्चे तो बना लिए होंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे अभी प्रोसेस में हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, बच्चों को थोड़ा सा टाइम देते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपने अगर बना लिया है तो ठीक है, प्रोसेस को मैच कराइए और फिर फाइनल आंसर को भी मैच कराइए। तो यहाँ पे चूंकि बच्चों आपको दो पॉइंट दिया है तो हम दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट यस इक्वल टू कितना है बच्चों, टू, इस पे कर लेते हैं। तो एल एच एल लिखेंगे तो एल एच एल बच्चों कितना हो जाएगा, लिमिट तो आदत हो गई है आपको, एक्स की वैल्यू टू से कम किसमें है, इसमें है, कर देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो गई डायरेक्ट बच्चों, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू माइनस कितना जाएगा फाइव, अब इसमें एच कहीं है नहीं, तो यही हो गया एल एच एल। क्लियर हो रहा है आपको बच्चों, ठीक। आर एच एल आइए, तो जब आर एच एल आएंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस लिखेंगे एफ एक्स, तो एक्स टेंडिंग टू टू प्लस बच्चों बताइए किस वाले इक्वेशन में है, किस वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले में, तो रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, अब आपको पता है एक्स की जगह क्या उठा कर रखना है, टू प्लस एच, ठीक है? अब तो इतना सीख गए होंगे सारे लोग। तो आप क्या करना है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कर देना है, फिर ए टू प्लस एच हो जाएगा प्लस बी। तो अब क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको टू ए प्लस बी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को होगी, ठीक है? अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो उसके लिए भी मेरे पास उपाय है, हम कर देते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टू ए प्लस टू एच प्लस बी, ये हो जाएगा, ठीक। फिर एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टू ए प्लस बी, क्लियर है, ठीक है? तो अब एल एच एल और एच एल बराबर आ गए तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस दोनों बराबर कर देते हैं। तो सिंस फंक्शन, बार बार मैं ये इस पे पॉइंट मिसाइज करता हूँ बच्चों आपको, यफ इज कंटिन्यूस एट एस इज इक्वल टू क्या है बच्चों, टू। ये फोर मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चों, ये जो ये मैं करा रहा हूँ ये टू मार्क्स में, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है? तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों, ठीक है, किसी भी वीडियो में मैं कराऊँ, आप बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आपके बोर्ड में हो या कंपटीशन में हो या फिर दूसरे स्टेट बोर्ड में हो, मतलब कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आए हुए होते हैं। इस लेक्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लेक्चर में मैं कराता हूँ फर्स्ट लेक्चर से किसी भी चैप्टर के, तो उसको बहुत ध्यान से सीखना है, उसको मस्ट करना ही है, ठीक है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल टू क्या है, आर एच एल। तो बताइए एल एच एल कितना है बच्चों, तो एल एच एल है फाइव, तो बाद में लिखते हैं, पहले आर एच एल लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइव, यानी ये पहला इक्वेशन बन गया। अंडरस्टूड बच्चों? तो जैसे मैंने टू पे निकाला है, क्या आप वैसे टेन पे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग मन में कह रहे होंगे सर जी रुके रहिए अभी हम बना रहे हैं, ठीक है? तो हम रुके हैं बच्चों, आप लोग कोशिश करिए। चलिए तो कुछ बच्चे कोशिश किए होंगे और वो एल एच एल लिख लिए होंगे जल्दी जल्दी में, और कुछ बच्चे और तेजी से किए होंगे तो वो आर एच एल पे भी पहुंच गए होंगे, ठीक है? तो चलिए जहां पहुंच गए हैं बच्चों तो मैच कराते हैं, ठीक है? अब जैसे क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी मैंने स्टार्ट ही किया है जब से आप कराने लगे, तो बच्चों आप क्या करिए कि मैं कराने लग रहा हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे, आप क्या करिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से बनाइए, एक बार आप अपने से बना लेंगे फिर उसके बाद स्पीड अप करके भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको बस स्टेप भी मैच कराने होंगे, ठीक है? तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप वीडियो को पॉज करके पूरा बना के लास्ट आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है? तो कंटिन्यूस है फिर चेक करते हैं, एल एच एल हो जाएगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा, टेन माइनस एफ एक्स, तो 10 माइनस यानी 10 से कम, तो 10 से कम वाला कौन सा है बच्चों, तो यही वाला आ रहा है, 10 से कम यही है ना, तो ए एक्स प्लस बी ले लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी ले लिया हमने, ठीक। अब एल एच एल, फिर हमको अगला स्टेप पता है, यस को हटाना है 10 माइनस एच से, ठीक है? तो एल एच एल क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कितना हो गया बच्चों, बताइए, ए 10 माइनस एच प्लस बी हो गया, तो यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हम लिख सकते हैं 10 ए माइनस ए एच प्लस बी लिख सकते हैं। तो अगर ये जीरो रखेंगे तो बताइए एल एच एल कितना हो गया, टेन ए प्लस बी हो गया, ठीक। आर एच एल बताइए, तो आर एच एल जब लिखेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू टेन प्लस एफ एक्स लिखेंगे, तो टेन प्लस बच्चों वैल्यू ऊपर देख के बताइए क्या है, तो ऊपर देख के बताएंगे तो आप पाएंगे कि 21 है, तो इसमें तो यक्स है नहीं, इसमें जब यक्स नहीं है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21।
यानी कि इसका भी एलएचएल और आरएचएल आ गया। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि अरे सर अगर दो अननोन दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि हम आपको दोनों पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो दो लीनियर इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? दो लीनियर इक्वेशन। हाँ तो बच्चों आप लोग सही सोच रहे हो, जब दो अननोन दिया रहेगा और दो पॉइंट पे कंटिन्यूटी दिया रहेगा तो आपको यह समझना है कि दो इक्वेशन बनेंगे लीनियर इक्वेशन के, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, किस पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एस इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपका कितना है 10 है, तो एल एच एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए आर एच एल हो गया। तो देयर फोर एल एच एल कितना है बच्चों, एल एच एल है 10 है प्लस बी, आर एच एल 21, ये हो गया सेकेंड, और फिर 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 5। तो चलिए बच्चों फटाफट, इसमें तो आप लोग माहिर होंगे, ठीक है, टेंथ में बहुत सारे इक्वेशन आपने बनाए हैं, तो चलिए इलिमिनेशन मेथड से बनाइए या किसी मेथड से बनाइए और हमको और ए बी की वैल्यू बताइए। चलिए बच्चों, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी करें यहाँ के बाद, और यहाँ भी करने के बाद मुझे ए और बी का फाइनल आंसर बताएं कि बी कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी करिए बच्चों। तो कुछ बच्चे तो जल्दी जल्दी ए का निकाल लिए होंगे, कैसे कि बी इलिमिनेशन मेथड लगा देंगे जल्दी से, और यहाँ पे बी की कोफिशिएंट बराबर है तो माइनस कर देते हैं, माइनस 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 कर दिया, ये खत्म, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा 8 है, यहाँ 21 में से जाएगा 16, तो एक वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ए की वैल्यू आ गई तो हम क्या करते हैं, या तो 1 में रख देंगे या 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो फ्रॉम 1, तो 1 कितना है बच्चों 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। हेंस जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने वही चीज यूज किया, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ये वाला जो क्वेश्चन था ये स्पेसिफिक था कि इसमें हमने फंक्शन के वैल्यू से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है और इसमें हम कामयाब भी हुए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो है बच्चों ये जितने तरह के कंटिन्यूटी में क्वेश्चन हो सकते थे मैंने उतने टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, और इन सब क्वेश्चन को मैंने जैसे कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो आप इन सबको पक्का करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों जो मैं लाऊंगा वो कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो वो सिक्स जो लेक्चर होगा वो कंटिन्यूटी पे आपका लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग डिफरेंसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, और फिर डिफरेंसिबिलिटी को फिर बहुत दूर तक हम लोग ले चलेंगे, क्योंकि उस डिफरेंसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा टॉपिक है, डिफरेंसिबिलिटी से फिर डिराइवेटिव आएगा और डिराइवेटिव तो बहुत लंबा जाता है। ठीक है, तब तक बच्चों आप क्या करेंगे, इस वीडियो के साथ जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उसको इत्मीनान से देखेंगे, और अगर समझ में आ गया है तो अपने से फिर से चीज़ों को लगाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों कंटिन्यूटी के लास्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक पढ़ते रहिए और थैंक यू।